अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ टीवी और अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहसिन शहजाद। ब्रेकिंग न्यूज़, मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारतीय इकदाम पर अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त रद्द अमल आ गया। वाशिंगटन मकबूजा कश्मीर के तराज़ मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारतीय इकदाम पर अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त रद्द अमल आया है और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के इदारे के तर्जुमान कहना है कि हमें गहरी तश्वीश है कि हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ताज़ा तरीन पाबंदियाँ खिते में इंसानी हकूक की सूरत हाल को खराब कर देंगी। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक कमेटी ने कहा कि 8 जुलाई की रिपोर्ट में कश्मीर में भारतीय मुजालिम का जिक्र किया था, जिसमें बताया था कि तर्जमान के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि मकबूजा कश्मीर के इंतजाम में सियासी मुखालिफीन को सजा देने के लिए अकूबत खानों का इस्तेमाल करती है। वादी में मुजाहरीन से निमटने के लिए मावराए अदारत कतर किया जा रहा है। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक कमेटी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में ताज़ा पाबंदियाँ खत्म इंसानी हकूक की सूरत हाल को मजीद अबतर करेंगी। इंसानी हकूक कमेटी तंबिया करती है कश्मीर से मालूमात का बाहर आना आना बाइस तशवीश है। उन्होंने बताया है कि भारत कश्मीर में इख्तलाफ राय दबाने के लिए ज़राए मुवासलात बंद करता है और ज़राए मुवासलात पर मौजूदा पाबंदी की माजी में मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के सियासी कायदीन ज़ेर हिरासत हैं। मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली पर भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। पाबंदियों से मकबूजा कश्मीर के अवाम नुमाइंदे जमहूरी बहस में हिस्सा लेने से महरूम हो चुके रहे हैं, जबकि दूसरी जानब एक खबर के मुताबिक वफाकी वजीर रेलवे ने आर्मी चीफ जल्द चीन जाएंगे, चीन की तरफ अरब दुनिया से भी पैगाम आ जाएगा, चीन की दूरंदेशी को सलाम पेश करते हैं, आइंदा चंद माह सरहदों पर बदअमनी हो सकती है, बूंदी बुकलाहट में आजाद कश्मीर पर हमला कर सकता है। तफसीलात के मुताबिक बुध को पार्लियामेंट के मुशतरक इजलास में मकबूजा कश्मीर के सूरतेहाल पर जारी बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि तारीख में मोदी ने ऐसा फैसला किया जो कश्मीर के लिए नया शोरा ज्वाला बनेगा। मैं कश्मीर को अंदर से जानता हूँ, अब कश्मीरी घर में नहीं बैठेगा, बीजेपी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ये तारीख का सानिया है, 303 मेंबरान में एक मुसलमान नहीं है, ये तहरीक अब यूपी और सीपी की तरफ जाएगी, ये सब मुसलमान हमारी तरफ देख रहे हैं, वो इसराइल का पैटर्न लाया है, अगले 3 से 6 माह में सरहदों पर अमन नहीं रह देख रहा हूँ, भारत की तरफ से 371 दीगर जगहों में भी लगा है, वहां पर कोई तरमीम नहीं की गई। श्रीनगर का जुग्राफिया ऐसा है, चीन की दूरंदेशी को सलाम पेश करते हैं, करीब आर्मी चीफ चीन जाएंगे, चीन का लद्दाख से अहम ताल्लुक है, कोई शख्स कश्मीर को कमजोर ना समझे। अगर आप लोगों ने अभी तक उर्दू न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए, इससे क्या होगा कि जो भी नई आने वाली वीडियो होगी उसका बदले नोटिफिकेशन आपको उसकी इतला मिलेगी।